नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज सबसे बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेके आए हैं। एलडीसी भर्ती 2013 से संबंधित खाली पड़े पदों को भरने के लिए ट्विटर पर विद्यार्थियों ने चलाया अभियान। तो चलिए दोस्तों, आज की क्या न्यूज है और विद्यार्थियों ने अभियान चलाया है ट्विटर के ऊपर, तो देखिए दोस्तों क्या अपडेट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या अपडेट है। ये देखिए दोस्तों, आज का अपडेट है 10,000 खाली पद भरने के लिए ट्विटर पर चलाया गया अभियान। 7 साल पहले पंचायती विभाग में हुई एलडीसी भर्ती 2013 के खाली पड़े 10,029 पदों को भरने के लिए बेरोजगारों ने ट्विटर पर अभियान चलाया। इस पर 1,00,000 से अधिक ट्वीट किए गए। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदर्शाध्यक्ष रविंद्र चौधरी का कहना है कि इस भर्ती के लिए 19,515 पदों में से 10,029 पद अभी भी खाली है। अब सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ट्विटर का सहारा ले रहे हैं विद्यार्थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एलडीसी भर्ती 2013 में 19,515 पदों में से 10,029 पद अभी भी खाली है। उन पदों को भरने के लिए विद्यार्थियों ने अभियान शुरू कर दिया है ट्विटर के ऊपर जाकर के। आप भी ट्वीट करें जिससे अपनी भर्ती एलडीसी भर्ती है उसके ऊपर फोकस हो सके और जल्द से जल्द इन पदों को भरने के लिए कृपया जारी हो। इसके अलावा विद्यार्थियों को मैं आपको बता देता हूँ कि जो एलडीसी भर्ती 2013 में जो खाली पड़े थे पद, उनकी मांगों को लेकर विद्यार्थी लगातार ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। और आपको अगर ट्विटर अकाउंट बनाना है या बना लिया है तो, या फिर अपने दोस्त के या किसी के भी सहारा लेकर के जितना हो सके उतना ट्वीट करें जिससे ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो सके। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही अपडेट था। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।